रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को डिबेट के दौरान सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर पर स्टे लगा दिया है। नागपुर में दायर केस को मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से अर्णब गोस्वामी और उनके चैनल को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश में गोस्वामी के खिलाफ 3 हफ्ते तक किसी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। इस दौरान वे अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। आपको बता दें कि पालघर लिंचिंग को लेकर टीवी शो के दौरान रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्णब गोस्वामी के आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर उनकी गिरफ्तारी की मांग के मामले में सुनवाई पर वकील प्रशांत भूषण ने तंज कसा है। वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि कोरोना के कहर के मारे मजदूरों को लेकर दायर की गई याचिका से ज्यादा जरूरी कोर्ट को अर्णब की याचिका लगी। ट्विटर पर प्रशांत भूषण ने लिखा है, लॉकडाउन की वजह से राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर जगदीप एस छोकर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसे कोर्ट ने जरूरी नहीं समझा। 1 हफ्ते तक इसे सुनवाई के लिए शामिल नहीं किया गया, लेकिन एफआईआर निरस्त करने के लिए अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने अगले दिन ही सुनवाई के लिए शामिल कर लिया। आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के पूर्व प्रोफेसर और संस्थापक ट्रस्टी जगदीप एस छोकर और अधिवक्ता गौरव जैन की ओर से वकील प्रशांत भूषण द्वारा कोरोना नेगेटिव मजदूरों को उनके अपने घरों की तरफ जाने की इजाजत मांगी गई थी। याचिका में कहा गया था कि उन प्रवासी मजदूरों को घर जाने की इजाजत दी जाए जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। साथ ही यह भी मांग की गई थी कि राज्य सरकारों को इन लोगों को घर गांव तक जाने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को शायद जरूरी नहीं समझा, क्योंकि बात मजदूरों की है, किसी बड़े गोदी मीडिया से जुड़े पत्रकार की नहीं। गरीब मजदूर महीनों से अपने घर जाने की आस में दम तक तोड़ रहे हैं। कई राज्यों से ऐसे मामले सुनने में आ रहे हैं। मजदूरों में बड़ी संख्या बहुजनों की है। एससी एसटी माइनॉरिटी के मजदूर देश के कोने कोने से वीडियो बनाकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है। सरकार की तरफ से भी सीमित लोगों तक ही संसाधन पहुंच रहा है। बहुजन समाज के लोग इस समय संकट से घिरे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकते, पर शायद सुप्रीम कोर्ट इनकी व्यवस्था समझ सकती है। और फिलहाल अभी सरकार और कोर्ट दोनों के लिए अर्णब गोस्वामी का मामला ज्यादा प्राथमिकता वाला है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।